पाकिस्तान का मैच देखा है आपने आज, बांग्लादेश पाकिस्तान? वंस अगेन द ओपनर्स बाबर आजम, अच्छा वो तो रिजवान भी, रिजवान ना एक बात बताऊं मरवा गए थे पाकिस्तान को एक स्टेज नहीं बट मैन ऑफ द मैच वही थे शायद, फंस गया था, पर बाबर ने अटैकिंग बैटिंग की, नवाज ना आए होते तो पाकिस्तान मैच हार गया था। नवाज के साथ भी अगर बांग्लादेश ने वो स्कूल बॉय फील्डिंग और कैचिंग ना की होती तो भी बांग्लादेश जीत सकता था, लेकिन ये बात इस पे रिइंफोर्स होती है कि पाकिस्तान के पास ऐसी बैटिंग है, स्पेशली द टू ओपनर्स, 170-175 उनके रडार में रहेगा चेज करना। इनको दिक्कत आ सकती है जब 190-200 रन हो, क्योंकि फिर रिजवान को और बाबर को उस रेट पे खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने में अगर कोई आउट होता है, आज भी देखिए उन्होंने क्या किया, नवाज ने बचाया मिडल ऑर्डर ने आते दूसरी बॉल डंडे में खाली, या शादाब बचाते हैं या नवाज बचाते हैं मिडल ऑर्डर में आके, आपके मिडल ऑर्डर से नहीं रन बनाते, शादाब वही कह रहा हूं, दो आपके जो स्पिनर हैं वही आके रन बना रहे हैं ना, शादाब बनाते हैं या नवाज, नवाज को कहते थे कि रविंद्र जडेजा, वो तो हूबहू वैसे ही हो रहे हैं, क्यों वो बॉलिंग में रन पिट रहे हैं उनके, वो मोर ऑफ अ बैट्समैन बन गए हैं बिल्कुल। इंडिया को जो मैच हराया था वहां बैटिंग कप में, नवाज ने हराया था बिल्कुल, आप जो मर्जी रन किसके थे, जो इन्होंने नॉक खेली थी, ही केम अनएक्सपेक्टेड एंड अटैक, छोटा बॉल इधर उधर मारना शुरू किया, तारे दिखने शुरू हुए, आपका मैच खत्म हो गया। सो खैर जो भी है, टीम्स जो है फाइन ट्यून कर रही है, इंडिया भी शायद जैसे निखिल कह रहे हैं फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं।